फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग यानी कि आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की भावनाएं, वर्तमान भावनाएं। ही शी सेम जेंडर सबके लिए है ये रीडिंग, कलेक्टिव और टाइमलेस है। अब जब जी चाहे इसको देख सकते हो, कोई ना कोई क्लैरिटी जरूर मिलेगी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन जिनको आप प्यार करते हो सकता है आपसे दूर हो, तो वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, उनके दिल में क्या क्या बातें आती हैं आपको लेके। कह दूं तुम्हें दिल में मेरे आज क्या है, बोलो तो जाना नहीं अपना वादा है। देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए कैसे कार्ड्स निकालते हैं। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, ये कार्ड थ्री ऑफ सोर्ड्स का। पहले आया सिक्स ऑफ कप्स का, अब आया थ्री ऑफ सोर्ड्स का, यानी कि वाटर साइन और एयर साइन। अब देखिए कौन सा आता है, अर्थ साइन, एस ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स सेवन यानी कि एयर साइन, सेवन ऑफ सोर्स, द टावर। लीजिए गाइस, पहला कार्ड आया था उसके हिसाब से ही मैंने लगाया था कि आगे कुछ कार्ड ऐसे ही आने वाले हैं। डिवाइन टैरो एस ऑफ सोर्स, इन कार्ड से थोड़ी होप बनती है वीडियो रीडिंग की पॉजिटिविटी क्या। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, ये कार्ड बहुत बेहतरीन है। टू ऑफ कप्स, कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का। लीजिए द वर्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। देखते हैं बॉटम कैसा है। लीजिए गाइस, आज आप बॉटम देख के खुश नहीं होने वाले। तो जैसे कि हमारी रीडिंग का टॉपिक क्या है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है ना। दिल दुखाना आसान है, जब अपना दुखता है ना तभी पता चलता है। किसी को कहना आसान है, आप भी मुझे कहते होंगे कि मैडम हरदम कहती है बैलेंस में लाओ, पॉजिटिव रहो। मैडम क्या जाने हमारा दुख। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं जानती हूँ आपका दुख। तो गाइस, आपको मैं बता दूँ कि ये जो पर्सन है आप लोगों का, ये जो रीडिंग में बताया जा रहा है कि ये आपके पर्सन जो है ना, पहले थोड़ा सा आपके पास में चलते हैं तभी पता चलेगा ये रीडिंग आपकी है। आप लोगों के रिश्ते में ब्रेकअप हुआ है, यानी कि आपके पर्सन ने आपका दिल बहुत बुरी तरह दुखाया है और रिश्ते के टूटने की वजह थर्ड पार्टी सिचुएशन या कमेंट,
कमिटमेंट नहीं दिया उन्होंने, आपने उनसे कमिटमेंट मांगा, यानी कि थर्ड पार्टी फैमिली और कोई ऐसा उनका अफेयर कुछ भी हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ है। उस पर्सन ने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा है, वो इस टाइम आपसे दूर है, उनका बहुत आपका मन बहुत बुरी तरह से दुखा हुआ है, शायद इसलिए आप रीडिंग देखते हो हैं। जिसने भी आपके रिश्ते में दफाटकियां डाली हैं या जैसे भी ब्रेकअप हुआ है, लेकिन रिश्ता इतनी बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ है कि जिसे कहते तहस नहस, उस टाइम ऐसे लगता है सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, आगे कभी कुछ होगा ही नहीं, जो किया गलत हुआ, शायद हम इस तरफ कभी जाते ही ना। आपके मन में भी सवाल आता होगा, काश कभी मिलते ही ना, अच्छा था अपने जैसे कट रहा था, क्या करा इस प्यार वाली लव रिलेशनशिप की जिंदगी में आके। तो इस तरह बुरी तरह से देखिए ये टावर में कैसे गिरते हुए लोग आ रहे हैं। ये टावर का कार्ड ये बताता है कि इंसान जब बर्बाद होता है, रिलेशनशिप, फैमिली, अपेंडस सब कुछ खो देता है। तो ये मैं आपको बताऊं, ये फैमिली, अपेंडस ये सब इसलिए भी खो देता है जब किसी अच्छे इंसान का, अच्छे पार्टनर का, जो दिल से साफ सुथरा प्योर हो, दिल का बिल्कुल साफ हो, अच्छे सिर से ट्रस्टवादी हो, ट्रू लव करता हो, उसका दिल भी दुखाया जाए। सब कुछ तहस नहस हो गया और आपके रिश्ते में दिखते थी कमिटमेंट की, ट्रस्ट इशू, शायद वो आपको अपनी उन चीज, जो चीजें आप मांगते थे, जिन बातों के लिए कमिटमेंट मांगते थे, वो आपको नहीं दे पाए। ये दो कार्ड ये भी बताते हैं कि आप लोगों में, ये तीन कार्ड आए हैं, तीन कार्डों में से ये भी पता चलता है कि कुछ लोगों का यहाँ सोलमेट कनेक्शन है और कुछ लोगों का यहाँ कार्मिक कनेक्शन है। तो गाइज ये दो कार्ड ये भी कार्मिक कनेक्शन की तरफ भी उंगली कर रहे हैं। ये कार्मिक कनेक्शन के जो लोग होते हैं ना, वो एक साइकिल होता है, ये द वर्ल्ड का कार्ड आया ना, ये एक साइकिल होता है, इसे हमने इसे फेस करना ही करना है, कहीं भी चले जाओ। कहते ना कोई इंसान, कह कहावत में कहा जाता है, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे पीछे परेशानियाँ अपने आप आ जाती, मैं तो सही होता हूँ, मुसीबतें मेरे साथ ही गिरी रहती है। तो ये कार्मिक कनेक्शन होता है कि कार्मिक कनेक्शन में जो फेस करना है वो फेस करना ही करना है। कमिटमेंट की नहीं दिया, आपके भरोसे को तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है, आपको पूरी तरह चकनाचूर किया है इस पर्सन ने, आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, आप इतने दुखी हो इस टाइम बहुत ज़्यादा, ये आपकी एनर्जी का है, हार्ट ब्रेक हुआ हुआ है, आपने कभी सोचा नहीं था कि ये रिश्ता इतना खराब होगा। टूर एंड ट्रैवल का कार्ड भी आता है, हो सकता है कि आपके पर्सन आपके स्टेट या आपके सिटी कहीं दूर रहते हो, ऑनलाइन मिले हो, लेकिन गाइस रिश्ता बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ है। ये तीनों कार्ड जो है, चारों कार्ड यही बताते हैं आप लोगों का पास्ट जो है, जो भी बातें हुई, जो भी कुछ आप लोगों ने यही सोचा था कि अब दोबारा कभी शुरुआत नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले अब हम बॉटम की तरफ चलते हैं, जहां आप इतने दुखी हो, आपके रिश्ते में इतने तनाव आए हैं, तो आपके पर्सन की बॉटम की फुल एनर्जी ऐसे है कि वो भी बहुत दुखी है। भले ही इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आप परेशान हो, दुखी हो, उस टाइम इनको एहसास नहीं था, पर इस टाइम इनके भी ऊपर खंजर ही चल रहे हैं, जहाँ इनके अपने जिनकी वजह से परेशान आपको किया, या जिन चीज़ों की वजह से सोचा कि लाइफ से मैं अपने हिसाब से लाइफ जीऊँगा तो ज़्यादा बेटर है, वो उल्टा असर हो गया है। अब ऐसे हैं कि बस हुए ना हुए अपने आप को ऐसा फील करते हैं, लेकिन गाइस रिश्ता जो है अंदर ही अंदर आपको याद करते हैं, मिस भी करते हैं, लेकिन दुखी बहुत हैं, क्योंकि अंदर से इनको लगता है कि अगर अब वो तुम्हारे पास, अगर मैं अपने पर्सन के आपके पास आएंगे तो आप इनको माफ़ नहीं करोगे। रिश्ते की शुरुआत होती हुई दिख नहीं रही, पर ये तो शुरुआत तो होनी है, न्यू बिगनिंग तो होनी है, क्योंकि कार्ड आया एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही बताते हैं कि पास्ट भले ही कितना भी खराब हो, लेकिन आपके रिश्ते की न्यू बिगनिंग होनी है,
चीज़ें फिर वर्क करनी है, आप दोनों अंजाम तक पहुंचेंगे। और ये टावर का कार्ड जहां बर्बादी का बताता है, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन का भी बताता है। वो आपके साथ, वो आपको अपनी दुनिया समझते हैं, समझते हैं कि आप मेरी दुनिया हो, क्योंकि जितनी चोट उन्होंने आपको दी उतनी चोट उनको मिल चुकी है, और उस चोट का दर्द वो अपने दिल में लेके चल रहे हैं। और इस चीज का उनको एहसास हो गया है कि जैसा करा वैसा भरा, कहीं भी नहीं इंसान जा सकता, कर्म ही धर्म है। बार बार यही कहा जाता है कि कर्म ही धर्म है। सारा दिन धूप बत्ती लेके मंदिर के बाहर अंदर खड़े होने से कुछ नहीं होता, अपने कर्म भी करने पड़ते हैं। और इस पर्सन ने जो आपके साथ किया, इसको विद इंटरेस्ट मिला है, विद इंटरेस्ट मिला है। आप तो आज भी पॉजिटिव होके रीडिंग देख रहे हो, पर ये बंदा अंदर से बिल्कुल नेगेटिव हुआ पड़ा है। इसको तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, सिर्फ एक रोशनी की किरण क्या है कि इसको आज भी लगता है कि शायद हाथ पांव मारने से इसकी चीज़ें वर्क करेगी। हो सकता है ये कोई आपका रिश्तेदारी में रिलेशनशिप जिसके साथ थी, आपका पार्टनर रिश्तेदारी में था, या आपका कोई पुराना दोस्त था, कॉलेज का बॉयफ्रेंड था, अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, क्योंकि ये आपको अपनी दुनिया समझता है। इसका लगता है कि आप इसकी लाइफ में हो तो अबेंडेंस भी है, खुशियाँ भी हैं, एक हैप्पी फैमिली भी है, और एक ऐसी ज़िंदगी है, बस तुम पास बैठे हो तो हमें कुछ नहीं चाहिए। थर्ड पार्टी की सिचुएशन ने उस टाइम इसका दिमाग ख़राब कर दिया। वो जहाँ ये थर्ड पार्टी को दिखाता है, कमिटमेंट को दिखाता है, वहाँ ये भी बताता है कि वो वक्त ख़राब था। वो वक्त ख़राब था, जितना मर्जी उस वक्त को, उस टाइम आप तुम कितना मर्जी आप लोग सुलझाने की करते, उस डिवाइन टाइम जो होता है, हर चीज़ का अपना होता है, वो टाइम आपका ख़राब चल रहा था। और जहाँ सूरज डूबता है वहाँ निकलता नहीं है, वक्त एक जैसा नहीं रहता। अब आपका वक्त बदलने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन आपको दुनिया समझते हैं, और आप लोगों का जो रिश्ता है, नाता है, वो सोलमेट कनेक्शन का हो सकता है। देखिए एक दूसरे को कप ऑफर कर रहे हैं, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, देखते देखते दिल तुम्हारा हो गया। ये कार्ड ये बताता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। जब वो आएंगे आपकी तरफ बढ़ेंगे, हो सकता है आपको कांटेक्ट करें, डेट पे ले जाए, उनका रिकन्सिलेशन आपके साथ होना ही होना है। फ्रेंडशिप दोबारा से चीज़ें वर्क करनी है, फ्रेंडशिप दोबारा से होनी है, लेकिन वो पुरानी बातों को अभी भी अपने दिल में दिमाग में जैसे आप लेके बैठे हुए वैसे लेके बैठे हुए हैं। इस टाइम भी उनको खंजर लग चुभा हुआ है, जितना दर्द दिया है विद इंटरेस्ट मिला है, और अब एक एक सुइयां जो चुभ रही हैं एक एक करके ऐसे ऐसे निकाल रहे हैं, उस हिसाब से देख रहे हैं कि आगे कैसे चला जाए। ये दो कार्ड ये बताते हैं कि रिश्ते की बिगनिंग होनी होनी है, रिकन्सिलेशन होना ही होना है, लेकिन क्या है, चीज़ें अभी नहीं वर्क करेगी, क्योंकि ये बॉटम है ना, बॉटम ये बताता है कि अभी जल्दी कहीं ये चीज़ें वर्क करती हुई नहीं दिख रही। कोई एक्शन का कार्ड नहीं आया, लेकिन आप लोगों का समझौता होना ही होना है, चीज़ें वर्क करनी करनी है। आपके पास आएंगे, डेट पे लेके चलेंगे, प्यार से बातें करेंगे, एक जैसा नए जैसा रिश्ता होगा, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अंदर ही अंदर दिल में अपनी गिल्ट फील कर रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन था जो मुझे समझता था, उसको भी मैं खो बैठा। और ये वर्ड का कार्ड कहता है कि आप समझते हैं वो आपको अपनी दुनिया, अपना सब कुछ, आपका लकी चार्म, अपना लकी कूपन, यानी कि आप वो उनकी महारानी या महाराजा। और जब एक इंसान होता है, आप गाइज कई बार आपको ऐसे लगता होगा कि आप एक इंसान के साथ हो तो खुश हो, चाहे वो सुहा कोई नहीं है, और कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप एक भीड़ में हो तब भी अकेले हो। वो क्या है कि वो आपके पार्टनर का लव था, और यहाँ सिर्फ ऐसे हैं भीड़ में जो सिर्फ मिर्च मसाले लगाने वाले लोग होते हैं, तो इसलिए जहाँ दिल को सुकून मिलता है इंसान वहीं जाता है, पर सामने वाला कदर करे मज़ा तब भी है। तो ये देखिए आपका रिकन्सिलेशन होगा, वो आपको उनकी जो फीलिंग है आपके लिए, पास्ट में चाहे रिश्ते खराब हो गए, गलतियां दोनों तरफ होती हैं, पर ये है कि सामने वाला कदर ना करे तो कब तक बर्दाश्त करें।
अब लेकिन उनकी फीलिंग आपके अपने आपके लिए एक इमोशनल अटैचमेंट है आपके साथ, और गलतियां हुई, रिश्ता खराब हुआ, इसमें आप दोनों का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये कार्ड ये बताते हैं कि ये कार्मिक कनेक्शन और एक वक्त खराब था, और वो जो होता है ना वक्त खराब होता है वो अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा करना ही होता है। अब वो खत्म होने वाला है, लेकिन एक्शन का कार्ड नहीं आया, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि अभी वो इस एनर्जी में है, अभी वो इस एनर्जी में है। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो गाइस देखते हैं कितना टाइम मिलता है, आपके पर्सन कितनी देर बाद आएंगे। डिवाइन, मेरे व्यूर को, मेरे ये जो शुभ चिंतक हैं, जो मेरे बच्चे हैं, मेरे फैमिली हैं, मेरे फ्रेंड हैं, इनके लिए कार्ड निकालिए और बताइए कि ये इनके पर्सन चीज़ें वर्क करना चाहते हैं, लेकिन अभी इस एनर्जी में है, वो कैसे निकलेंगे। पहले मैं आपका इस आपके पर्सन इस एनर्जी में है, पहले देखते हैं कि इस एनर्जी से आपके पर्सन कैसे निकलेंगे। एक कार्ड निकालते हैं, देखिए गाइस ये एनर्जी में है, ये कैसे निकलेंगे। इनको खुद को ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे, खुद को ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा, खुद ही हाथ पैर मारेंगे तभी निकलेंगे ये, नहीं तो ऐसे पड़े हुए हैं। चलो देखते हैं कब आएंगे। टेन ऑफ कप्स, नहीं सॉरी, नाइन ऑफ कप्स, द हैंडमैन। गाइस ये कार्ड ये बता रहे हैं कि इनकी नेक्स्ट ईयर यानी कि 9 महीने से लेके 12-13 महीने के अंदर आपकी तरफ आने की संभावना है। जैसे कि ये कार्ड आया, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनकी एनर्जी इस टाइम दबी हुई है, लो है, ये जो ऊपर से दिखते हैं वैसे नहीं है। तो आपको, अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट ईयर भी एक अच्छे तरीके से आए, तो मैं आपको अपनी तरफ से एडवाइस दूंगी, आप मैनिफेस्ट कीजिए कीजिए। कोई भी रिश्ता हो, खाली ये नहीं, फ्रेंड या लवर, लव रिलेशनशिप का कोई भी रिश्ता हो, मैनिफेस्ट करना चाहिए, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल, भाई के मन में छल कपट मैल लेके नहीं। चलिए मैं देखती हूँ जब ये आए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको किस चीज़ का इंतजार। गाइस जैसे ही ये इन इस एनर्जी से निकल कर, जैसे मैंने आपको बताया कि साल सवा साल के अंदर आ सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इनके ऊपर स्टक नहीं रहना चाहिए। जब ये आए तो आपने जैसे पहले इनके ऊपर ज़्यादा इमोशनल, आपको पता होगा कि जहाँ जहाँ ये आगे आगे भागते होंगे, आप पीछे पीछे, तभी आपके रिश्ते खराब हुए हैं। जिस कंडीशन से आपको लगता है कि ठीक है मेरी गलती थी, वो चीज़ों को आपने छोड़ के आगे बढ़ना होगा, एक स्लोली स्लोली, यानी कि जैसे चीज़ें वर्क करो स्लो स्लो, वैसे जल्दबाजी किसी चीज़ में नहीं। और अपने पर्सन के आगे ये नहीं शो करना कि हाँ मैं सिर्फ आप पर ही निर्भर थी या था, मैंने इतने दिन कुछ नहीं कहा, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने अपने काम में ध्यान नहीं दिया, ऐसी चीज़ें जो होती है सामने वाले आपके रास्ते ब्लॉक करती है और सामने वाले को बुलंदी पे पहुंचाती है। अगर आप चाहते हो कि दोबारा आपकी ये कंडीशन ना आए, तो ये थी आज की रीडिंग, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग जो आपके लिए अभी बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ी सी उनकी एनर्जी लो है। ये देखिए ये भी लो एनर्जी का है, ये भी लो एनर्जी का, इस टाइम इस एनर्जी में है कि बहुत डिप्रेस फील करते हैं और सोचते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अपना दिमाग खुद ही लगाएंगे, ये पर्सन ये खुद ही लगाएगा, खुद ही आगे बढ़ेगा। अगर आप चाहते हो कि रास्ते खुले, थोड़ा सा जल्दी हो, तो आप कीजिए इनको मैनिफेस्ट। क्या करना है आपने, अकेले बैठना है पूरे प्योर हार्ट से, ये नहीं कि एक तरफ से कह दिया चले गए रो लिया दूसरी तरफ से नहीं, ओम क्लीम क्लीम कृष्णाय नमः। चलिए आपको अगर आज की रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर कमेंट, और सावन का महीना कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ का नाम जरूर लीजिए, साथ में मेरे कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री है, एक टच ही तो करना है, साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट रीडिंग जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक।
आज तक का इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय माता दी और जय भोलेनाथ। लिखना बिल्कुल ना भूले, जय भोलेनाथ। मैं कहती हूँ सावन में आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो।